राधाचरण शाह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। अभी हम बिरचंद पटेल स्थित सरकारी आवास पर हैं और ये सरकारी आवास आपको दिखा रहे हैं। विधान परिषद के वो सदस्य भी हैं, जदयू के नेता हैं और उनके आवास पर ये सरकारी बंगला है जो उनके आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है और ईडी की छापेमारी सुबह से चल रही है। मतलब ये छापेमारी इससे पहले फरवरी में भी हुई थी ईडी की छापेमारी। उनके तमाम जो ठिकाने हैं भोजपुर आरा के वो संबंध रहने वाले हैं और आरा से लेकर रांची और तमाम जो जो है दिल्ली तक भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और इस बार फिर से ईडी की छापेमारी चल रही है और लगभग 26 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि ये ईडी की ये सरकारी आवास है और अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। ये बिरचंद पटेल आवास संख्या 5 पर है। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख सकते हैं ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर राधाचरण सेठ हैं जिनके एक अशोक प्रसाद उनके पार्टनर हैं अधिक ठिकानों पर ईडी की रेड लगभग चल रही है और इस रेड में कहीं ना कहीं सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं और बिहार झारखंड उड़ीसा और तमाम जगहों पर इसकी छापेमारी चल रही है। जो बाटसन के कंपनी है सुभाष यादव एमएलसी राधाचरण सहित कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुभाष यादव दानापुर उनके आवास पर चल रही है और फरवरी में भी आईटी ने इन पर रेड हुई थी। इस साल फरवरी में पटना को लेकर 200 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी को लेकर आयकर विभाग ने खुलासा किया था और बालू सिंडिकेट से जुड़े राधाचरण का नाम सामने आता है उसको लेकर भी ईडी जांच कर रही है और या कहीं ना कहीं उसको लेकर जो मामले हैं जो आय से ज़्यादा संपत्ति हो बालू से जुड़ा मामला हो बाटसन कंपनी बालू से जुड़ी कंपनी हुई है और उसमें राधाचरण सेठ अहम भूमिका है और वहीं उनके साथ सुभाष यादव हैं वो भी बालू माफिया कहे जाते हैं उनको लेकर भी एक तरीके से ईडी की छापेमारी चल रही है और ये सरकारी आवास और तमाम आरा भोजपुर आरा में कई ठिकानों पर रांची और आपको झारखंड तमाम ऐसे ठिकानों पर छापेमारी आप देखने को मिल रही है और ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और छापेमारी लगभग सुबह से चल रही है। लगभग ये मान के चले कि 4 घंटे से ऊपर की छापेमारी अभी तक 4 घंटे हो गए हैं और छापेमारी चल रही है। कई होटल और दुकान और तमाम जैसे राइस मिल हैं कोल्ड स्टोरेज हैं और भी कई इनके बैंक में खाते हैं स्टेट बैंक ग्रामीण बैंक और पीएनबी में खाते हैं उनको लेकर भी एक तरीके से छापेमारी धीरे धीरे चारों तरफ ईडी की छापेमारी चल रही है। हम भी फिलहाल बिरचंद पटेल स्थित आवास पर हैं और यहाँ भी ईडी की छापेमारी चल रही है। दोबारा ईडी की इससे पहले फरवरी में हुई थी ईडी की छापेमारी हुई थी और इस बार फिर से दोबारा ये कर रही है लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये जानबूझकर सताने की कोशिश की जा रही केंद्र सरकार को लेकिन अब देखना होगा कि ईडी की छापेमारी दोबारा हुई है और इसके बाद क्या निकल कर सामने आता है। पटना से राजीव कमल बायोस्कोप के लिए।